उत्तराखंड सरकार जहां अतिक्रमण पर लगातार प्रहार कर रही है, तो वहीं उत्तरकाशी के फॉरेस्ट विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत बने पेयजल टैंक पर बुलडोजर चलाया गया। पेयजल टैंक टूटने से लगभग 3 से 4 गांव के लोगों तक तो पानी पहुंचना बंद हो गया है, जिसको लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट में ग्रामीणों ने भारी आक्रोश जताया। वहीं ग्राम प्रधान मुलायम सिंह ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर फॉरेस्ट विभाग पर कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। और आजकल जो प्रधानमंत्री जो हर घर जल नल की जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना का काम चल रहा है, तो हमारा जो एक पनोला चौंडाड़ गांव में पनोला तोक आते जो लोग वहां पे 8-10 महीने रहते हैं, जिनके वहां पे गाय भैंस पूरा परिवार रहता है, वहां पे हमने पानी सुचारू रूप से ठेकेदार ने पानी शुरू किया था, जो जिसके जिसका बॉन्ड है वहाँ पर हेड जो बना जहाँ से स्रोत है पुराना हेड तोड़ा गया उसी को रिपेयर किया गया, लेकिन वन विभाग की जो फॉरेस्ट गार्ड है उसने बिना बताए हुए न विभाग को सूचित किया है, वन विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि हमें कोई सूचित नहीं किया गया है और पलस जल निगम को भी कोई सूचित नहीं किया गया है, और उन्होंने बिना किसी बताए गांव वालों को कोई पता नहीं है। जब गांव वालों को पता लगा कि पानी क्यों नहीं आ रहा,